हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग मैंने एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई थी, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। सो बेसिकली स्क्रीन मंगवाने का पीछे का रीज़न ये है कि आजकल हमारी स्टडीज़ जो है पूरी पूरी ऑनलाइन चल रही है, और क्योंकि मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, हम लोग को साथ साथ में कोडिंग और वो सब भी करना होता है ड्यूरिंग लेक्चर्स। तो ड्यूअल मॉनिटर सेटअप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइक लेक्चर में जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो साथ साथ में कोडिंग भी कराते हैं, तो अगर एक ही लैपटॉप में करेंगे तो विंडो स्विच करना पड़ेगा, फिर उसमें हम पीछे रह जाएंगे, वो सब बहुत झोल होता है। तो इससे पहले भी मैं एक लाइक ड्यूअल मॉनिटर सेटअप था मेरे पास, जो स्क्रीन थी वो एक दूसरे फ्रेंड की थी जो पहले यहाँ पे थे, बट वो अभी नहीं है तो ले गए उनके साथ। तो लाइक मैं पिछले 3-4 महीने से वो यूज़ करा था, मेरे को उसकी आदत भी पड़ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मंगवा ली जाए खुद के लिए, थोड़ा पढ़ाई में भी कुछ खर्चा कर लिया जाए, वैसे तो बहुत खर्चे करते रहते हैं, तो एक नेसेसरी चीज़ थी, तो इसलिए मैंने सोचा मंगवा ली जाए। सो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं। टाइम फॉर अनबॉक्सिंग एंड वी हैव निखिल शुक्ला इन द हाउस, माई बिग ब्रदर, माई फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम गुजरात। सो इनको हमने अनबॉक्सिंग करने का सौभाग्य दिया है, क्योंकि इनको व्लॉग में सौभाग्य दिया है अनबॉक्सिंग करने का, क्योंकि इनको बहुत दिनों से व्लॉग में आना था। ये मेरा इंसल्ट हो रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरे को मालूम नहीं है। भाई ऋतिक रोशन हेल्प कर दे थोड़ी। बॉक्स पकड़ो जरा, 5 रुपए दिए है तो वर्थ इट करो 5 रुपए को। HDMI केबल भी आया हुआ है, वो तो आता है, लगा नहीं आएगा, नहीं वो तो आता ही है नया, ये भी आता है, ये जो हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ जो बुक आती है जिसको हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, वो बुक है, तो उसको साइड में रख दी जाए। Let's do the setup, Mr. Shukla. Boss. जरा थोड़ा 5 रुपया वसूल करो, ये पकड़ो। और इसको जरा प्यार से खोलना, ये स्क्रीन है। वो नीचे वाला स्टैंड है, उसको अच्छे से सेटअप करो। काफी बढ़िया स्क्रीन है, एकदम फुल स्क्रीन है, साइड में कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब फुल स्क्रीन है। आप मस्त है, ग्रे पट्टी और सेक्सी है। चलो 5 रुपए दिए इसको। मैं अभी इंडिया जाके आया हूँ, तो मेरे पास 5 रुपए का सिक्का था, मैंने इसको 5 रुपए दिया, क्योंकि इसका मुंह देखो, 5 रुपए जितना ही मुंह है इसका। बेटा मुझे तुम्हारा ये मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये आईटी स्टूडेंट है, लेकिन इनको एक स्टैंड खड़ा करने में इतना टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने 5 रुपए दिए है। वाह वाह बेटा वाह। चलो बेटा ये डालो इसमें, पीछे से देखना ध्यान से, देखो जरा नीचे झुको जरा, और बहुत भारी नुकसान हो गया, एयरपोर्ट्स गिर गया। कोई बात नहीं, ये रहा एयरपोर्ट, इसकी बहुत वैल्यू है, ये वो भी भाड़े के एयरपोर्ट है, किसके पार्ट के ही है। मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं मोबाइल के अलावा, मैं सब दूसरों का यूज करता हूँ। गजब बेइज्जती है तुम्हारी बाजू। वाह बेटा मौज कर ली। आप प्लास्टिक कर दो ऊपर। तो दोस्तों बॉक्स में एक स्क्रीन आई थी, एक स्टैंड आया था, एक HDMI केबल, और ये उसका वो प्लग है, कॉर्ड है, पावर कॉर्ड है, और ये भी PC का ही वायर है, स्क्रीन का ही वायर है जिससे स्क्रीन ऑन होगी, और बस कुछ है नहीं है सच।
दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी उसको चालू करके थोड़ा यूज करके भी देखेंगे, बट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या कहना चाहोगे आप शुक्ला जी? बढ़िया स्क्रीन है ये नीचे वाली ग्रे पट्टी है, इसके लिए इसकी वजह से ये डैशिंग दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया है। इसकी वजह से गेटअप पूरा स्क्रीन का अच्छा आ रहा है। फ्लैट स्क्रीन है, कॉम्पैक्ट है, सब कुछ सही है। स्टैंड भी एकदम क्वालिटेटिव है, स्ट्रेंथ वाला स्टैंड है, इसलिए सब कुछ बढ़िया है। ये पैसे दोगे तो कुछ क्या कुछ नहीं आएगा बाबू भैया। प्राइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, 190। हम भी कभी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति। मार गया साला डायलॉग मार गया। इनको सिर्फ 5 रुपए दिए थे इसलिए दो डायलॉग बोलने मैं नहीं बोला था, दो डायलॉग बोलने के लिए कि 5 रुपए दिए हैं तो उस हिसाब के बोल के जाना। अभी मैं अपने इंडिया से इधर लाया हूँ, मैं अपना वाले दिए तो अभी इनको मैं उनका दे देता हूँ। आज अभी 5 रुपए ले लो, रिवॉर्ड ले लो अपना। अरे इनका इसका नसीब है, 5 रुपए का सिक्का मैंने पता नहीं कहाँ घूमा है। एक सेकंड, 500 के नोट दे दो। नहीं, 100 के नोट है मेरे पास, मैं 100 रुपया दे देता हूँ उनको। और ये एक का नोट 101 रुपए, 101 रुपए। सागुन क्या बात कर रहे हो, अपने पास सब कुछ है, लाइट चल रहा है। भगवान की दया से देखो ये बंदे का नसीब देखो, इसकी वैल्यू 5 रुपए की है। वॉलेट में से अगर मेरे को लगा गुम हो गया है, लेकिन लकीली एक अंदर एक सिक्का छुपा हुआ है 5 रुपए का, मेरे को मालूम नहीं था। अभी मैं इसको देने के लिए जा रहा हूँ। ये लो बेटा, ये डायलॉग बोले इसका 5 रुपए, मुंह मत छुपाओ। तो ठीक है, मस्ती अपनी जगह दोस्तों। तो अभी फटाफट इसको अंदर रूम में ले जाके वायर वायर सब सेट करके चालू करते, फिर आपको दिखाता हूँ। एंड शुक्ला जी थैंक यू फॉर यू एनीथिंग ब्रो। फ्यू मोमेंट्स लेटर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मेन रीज़न क्या था इतना, लाइक एकदम इंस्टेंटली मैंने एक स्क्रीन मंगवा ली। थोड़ा सा खर्चा हो गया $200 का, बट जो स्क्रीन ये परचेज करने का मेन रीज़न था वो था स्टडी पर्पस, क्योंकि लाइक पिछले कई महीनों से मैं ये ड्यूअल सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पूरा लाइक घर से होता है, ऑनलाइन स्टडीज़ होता है और प्रोग्रामिंग कोडिंग और वो सब करना होता है, बाद में लाइव लेक्चर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होती है जिसमें वेबकैम और वो सब यूज़ होते हैं। तो प्रॉपर सेटअप और एक ड्यूअल मॉनिटर सेटअप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलता। स्टार्टिंग में 2 सेमेस्टर मैंने वैसे ही किया, बेड पे लैपटॉप लेके बैठ जाता था, पर फिर भी सुबह 8-9 बजे उठ के नींद में बेड पे बैठते तो वैसे ही नींद आती रहती। तो एक टेबल चेयर और ये जो सेटअप था उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर आया तो एक लाइक टीवी जैसा स्क्रीन पड़ा रहता था हॉल में, जो दूसरे फ्रेंड का था वो मैं यूज़ करता रहता था। बट फिर वो मुझे यूज़ करना स्टार्ट किया तो थोड़ा कन्वीनियंट लगा, ईजी लगा मुझे वो। देन वो जो फ्रेंड थे वो शिफ्ट कर गए, ऑब्वियसली अपना सामान लेके ही जाएंगे। सो उसके बाद लाइक असाइनमेंट्स और वो सब करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता था एक लैपटॉप में, क्योंकि एक साइड हमको देखना भी होता है असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट, और प्लस कोडिंग भी करना होता है, और लेक्चर्स वाइल लेक्चर्स भी हमको लाइक जब प्रोफेसर से प्रैक्टिकल करवाते हैं तो हमको वो साथ साथ में परफॉर्म भी करना होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन वन लैपटॉप, सो दैट्स वाई टू सेटअप लाइक टू मॉनिटर सेटअप इज नेसेसरी। आई वोंट से मैंडेटरी बट इट्स नेसेसरी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स करना चाहिए IT स्टूडेंट्स को। और वैसे भी स्क्रीन ऑन परचेज की स्टडी परपज भी यूज़ होगी, फिर ब्लॉगिंग में एडिटिंग में भी यूज़ होगी, और आगे जाकर कहीं पर अगर IT में अगर अपना अगर प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए मैंने सोचा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा वैसे खर्चा करते रहते तो कभी पढ़ाई के पीछे भी खर्चा कर लिया करो। तो सीन यही था कि यार मैं पहले से यूज़ करता था ये स्क्रीन, जो दो स्क्रीन थी वो, बट लाइक अभी इंस्टेंटली वो फ्रेंड चले गए तो ले गए। फिर 2-3 दिन से मुझे लाइक मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, और लाइक आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, तो मैंने सोचा क्यों ना ले अब मंगवा ली जाए, आदत पड़ी गई है। तो इसलिए मैंने ये लाइक सेटअप मंगवा लिया, स्क्रीन मंगवा ली। एंड अभी जो मेरा सेटअप है टेबल चेयर और जो जब जो मैंने वो जो एक एरिया क्रिएट किया है, जो एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है वो सब सेट करने से, पढ़ाई में जो मन लगता है वो मैं आपको बताऊँगा। सो चलिए सेटअप टूर करते हैं। आपको वो तो बता दिया कि लाइक मैं स्क्रीन जो लाया था वो क्यों लाया था, कितने में लाया था, क्या कुछ हुआ, बट वो जो जब मैंने पूरा सेटअप किया तो वो कैसा सेटअप लग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो मेरा एक एरिया है जो पढ़ने का जो टेबल है मेरा वर्क नहीं स्टडीज़ फ्रॉम होम, उसका मैं थोड़ा टूर दे देता हूँ आपको। तो
ये है मेरा लैपटॉप जो मैं इंडिया से लेके आया था, और ये जो वो वाली स्क्रीन है जो हमने अनबॉक्स की थी, हम डाउनटाउन गए थे मैं और मेरा फ्रेंड रचित, उसका व्लॉग चल रहा है। और ये हेडफोन्स जब मैं लेक्चर देखता हूँ तो लगा के देखता हूँ ताकि कुछ बाहर का डिस्टर्बेंस ना आए, फोकस बना रहे लेक्चर पे। और ये हेडफोन्स मुझे बर्थडे पे गिफ्ट हुए थे। ये ट्राइपॉड जहाँ पे मैं ऐसे वर्टिकली फ़ोन लगाता हूँ, कुछ भी काम हो अगर ऐसा कुछ तो यहीं से हो जाएगा। चार्जिंग में भी अच्छे से लगा रहेगा फ़ोन, क्योंकि आईफोन में नीचे आता है तो रख नहीं सकते। ये रिंग लाइट, क्योंकि अगर लाइक मेरे रूममेट्स भी है बहुत सारे दो लोग, तो अगर उनको सोना हो कुछ भी करना हो तो मैं छोटी सी लाइट से अपना काम चला सकूं। और चार्जर फिर पीछे पड़ा है, वो हेडफोन का केबल वेबल है चार्जिंग का। यहाँ पे एक दो नोटबुक्स जब मैथ्स का लेक्चर होता है तो सम सॉल्व करने के लिए। और यह बुक जो मैं पढ़ता हूँ, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, एक दो बुक्स और भी पढ़ के मैंने ख़त्म कर दी है। एक इलॉन मस्क की थी और एक थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, इसका फर्स्ट पार्ट था। ये बड़ी वाली बुक है तो ये अभी ख़त्म नहीं हुई, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है। और उसके पीछे ये ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं, आपको मैं पढ़ाता हूँ। मेक व्लॉग्स, मैंने थोड़े से स्टिकी नोट्स भी लगाए, मैंने मेक व्लॉग्स फ्रीक्वेंटली, फिर एक थॉट लिखा है, टाइम नीड्स टाइम, गिव इट, थिंग्स विल बी फॉल इन प्लेस, हैव पेशेंस विथ स्माइली। यहाँ पे लिखा है, ये पहले ये पढ़ लेते हैं, मस्ट कंप्लीट ऑल द लेक्चर बाय द एंड ऑफ द वीक, कंप्लीट असाइनमेंट्स प्रायर टू वन डे, टेक दिस शिट सीरियसली। तो ये ऐसा कुछ है हमारा पढ़ाई करने की जगह। और जब व्लॉग स्केडरिंग करने तो भी बहुत इजीली, मतलब टू मॉनिटर सेटअप है तो बहुत इजीली हो जाता है। यहाँ पे मैं टाइम लाइन चलाता हूँ, यहाँ पे जो एडिटिंग हुआ होता है वो रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल जाता है, तो ऐसा सब चलता रहता है काम। तो ये था दोस्तों मेरा सेटअप। और ये लाइक इतना फैंसी वैंसी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पढ़ाई करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर अच्छे से घर पे पढ़ाई करनी हो तो ये सब सेटअप होना ही चाहिए। बट क्योंकि हम लोग घर से स्टडीज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, तो ऐसा कुछ अच्छा सा थोड़ा एक छोटा सा एरिया बना के रखा हो जहाँ पे आपका मन लगा रहे, पढ़ाई करने की इच्छा हो आपकी, तो बहुत हेल्प करता है स्टडीज़ में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। और पूरी की पूरी पढ़ाई घर से तो ईजिली बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो लगा के रखो, स्टिकी नोट्स हो गए या फिर थोड़ा अच्छा सा सेटअप करो, तो पढ़ाई करने में मन बना रहता है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस सेटअप, नॉट एनीथिंग एल्स। Camera lights.